भंडारी हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, और बड़ी जानकारी यह है कि ऋषिकेश के चीला नहर से बरामद हुआ है अंकिता का शव। परिजनों ने की है शव की शिनाख्त, यह भी अहम जानकारी है। बीते 5 दिनों से लापता थी अंकिता भंडारी। 3 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, लगातार कार्रवाई चल रही है। गंगा भोगपुर में यहाँ पर बने हुए रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी, और अंकिता इस मामले में पुलिस ने अब कार्रवाई करते हुए लगातार गिरफ्तारियां की। 3 गिरफ्तारियां हुई। आपको बता दें पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य समेत 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। आरोपियों की निशानदेही पर शव की बरामदगी भी हो चुकी है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, शव बरामद हुआ, लगातार रेस्क्यू टीम जो है शव को ढूंढने में लगी हुई थी। कुछ देर पहले हमने आपको वो खबर भी दिखाई थी कि जब आरोपियों को ले जाते वक्त लोगों ने पीटा था, तो अब बड़ी जानकारी यह है कि शव की शिनाख्त भी कर ली गई है परिवार के द्वारा। शव मिला है चीला नहर से मिला है, इसी नहर में आरोपियों के द्वारा फेंका गया था। और अब बड़ी जानकारी ये निकलकर सामने आई है कि अंकिता भंडारी के शव को चीला नहर से बरामद कर लिया गया है। जांच का दायरा बढ़ता हुआ नजर आएगा, अब इसी के आधार पर और भी कार्रवाई बढ़ती हुई नजर आएगी। तो आरोपियों की निशानदेही पर शव की बरामदगी हुई है, परिवार के लोगों ने शव की शिनाख्त भी कर दी है, और लगातार 5 दिनों से शव को ढूंढा जा रहा था अंकिता भंडारी के। बीते 5 दिनों से लापता थी अंकिता भंडारी, लेकिन जांच चल रही थी और आरोपियों की निशानदेही के बाद जो है शव को ढूंढा गया। लगातार रेस्क्यू टीम जुटी हुई थी, काफी मशक्कत के बाद शव को ढूंढा जा सका। तो पुलकित आर्य के रिजॉर्ट पर बुलडोजर में चलता हुआ नजर आया था, रात में कार्रवाई हुई। रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्याकांड का यह पूरा मामला है जिसको लेकर लोगों ने हंगामा किया, लोगों ने रिजॉर्ट के बाहर भी हंगामा किया, और साफ तौर पर इस पर कार्रवाई होती हुई नजर आई है। लेकिन पुलिस